एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे देशभक्त की जो हमारे देश के लिए अपनी जानी निछावर कर गए और इतना कुछ किया इन्होंने हमारे देश के लिए कि इनके बारे में कुछ अधिक कह पाना हमारे बस से बाहर है। लेकिन इनके कुछ जो कृत हमारे पास हैं वो हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता अभियान के एक और महान क्रांतिकारियों में सुभाष चंद्र बोस का नाम भी लिया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया था जो विशेषतः आजाद हिंद फौज के नाम से प्रसिद्ध थी। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद को बहुत मानते थे। सुभाष चंद्र बोस का पूरा नाम सुभाष चंद्र जानकी नाथ बोस था। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ एवं माता का नाम प्रभावती देवी था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे जिनकी निडर देशभक्ति ने उन्हें देश का हीरो बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का ये प्रसिद्ध नारा था। उन्होंने अपना स्वतंत्रता अभियान में बहुत से प्रेरणादायक भाषण दिए और भारत के लोगों को आजादी के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। बाद में सम्मानीय नेताजी ने पहले जर्मनी की सहायता लेते हुए जर्मनी में ही विशेष भारतीय सैनिक कार्यालय की स्थापना बर्लिन में 1942 में प्रारंभ में की, जिसका 1990 में भी अभी उपयोग किया गया था, जहां उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता अभियान की बागडोर संभाली और भारत को आजादी दिलाने के लिए लोगों को एकजुट करने लगे और एकता के सूत्र में बांधने लगे। बोस अच्छी तरह से अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, उनमें काफी करिश्माई ताकत समाई थी। इसी के चलते उन्होंने प्रसिद्ध भारतीय नारे जय हिंद की घोषणा की और उन्हें अपनी आर्मी का नारा बनाया। उनके नेतृत्व में निर्मित इंडियन नेशनल आर्मी एकता और समाज सेवा की भावना से बनी थी। उनकी सेवा में भेदभाव और धर्म भेद की जरा भी भावना नहीं थी। इसे देखते हुए जापानियों ने बोस को अकुशल सैनिक बताया और इसी वजह से वे अपने आर्मी को ज्यादा समय तक नहीं टिका पाए। रंगून के जुबली हॉल में सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया वह भाषण सदैव के लिए इतिहास के पन्नों में अंकित हो गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता बलिदान चाहती है, अपनी आजादी के लिए बहुत त्याग किया है, किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। तो ये आजाद जी के वचन रहे और उन्होंने अपनी आजादी को आज अपने शीश फूल चढ़ा देने वाले ऐसे नौजवानों की आवश्यकता है जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता देवी को भेंट चढ़ा सकें। उन्होंने INA को दिल्ली चलो का नारा भी दिया। सुभाष चंद्र भारतीयता की पहचान ही बन गए और भारतीय युवक आज भी उनमें प्रेरणा ग्रहण करते हैं। वे सुभाष चंद्र बोस के भारत की अमूल्य निधि थे जो जय हिंद का नारा और अभिवादन देकर चले गए। उन्हीं की देन है सुभाष चंद्र बोस के ये घोष वाक्य आज भी हमारे रोंगटे खड़े करते हैं। यहाँ की बात सिद्ध करता है कि जिस व्यक्तित्व ने इन्हें देश हित में सबके सामने रखा वह किस जीवन का व्यक्ति होगा। इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु पर इनके इतने वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी रहस्य छाया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हवाई दुर्घटना में मानी जाती है। समय गुजरने के साथ ही भारत में भी अधिकांश लोग ये मानते हैं कि नेताजी की मौत ताइवान में विमान हादसे में हुई। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को यह हादसा ताइवान में हुआ था, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सर्वकालिक नेता थे।
जिनकी जरूरत कल थी, आज है और आने वाले कल में भी होगी। वह ऐसे वीर सैनिक थे, इतिहास जिनकी गाथा गाता रहेगा। उनके विचार, कर्म और आदर्श अपना कर राष्ट्र वह सब कुछ हासिल कर सकता है जिसका वह हकदार है। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता समर के अमर सेनानी, माँ भारती के सच्चे सपूत थे। तो दोस्तों, ये एक देशभक्त जिनकी ये गाथाएं आज भी हम गाते हैं और जिन्हें हम याद करते हैं, ऐसे वीर और ऐसे देशभक्त हमें देश में आज भी आवश्यक रूप से चाहिए। अगर ऐसे देशभक्त और वीर भारत में पुनः देखने को मिल जाए तो हमारे देश का कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। हमारे देश का विकास, हमारे देश की रक्षा और हमारे देश का सर्वांगीण विकास चलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम आपके लिए ऐसे चैनल के माध्यम से और रोचक जानकारियों के साथ आते रहेंगे और आपको इस प्रकार के और भी वीडियो हम बनाते रहेंगे। इसलिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।